राजकीय महाविद्यालय कांडा में बालिकाओं का फुटबॉल प्रशिक्षण शुरू हो गया है। खेल मैदान में फुटबॉल कोच नीरज पांडे ने खेल की बारीकी से छात्राओं को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि छात्राएं पढ़ाई के साथ साथ खेलों की ओर भी ध्यान दें। कहा कि खेलों के क्षेत्र में युवाओं के लिए काफी संभावनाएं हैं। युवा वर्ग खेल के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपना तथा प्रदेश का नाम रोशन कर सकती हैं। छात्राओं के लिए कांडा में पहली बार हो रहे प्रशिक्षण शिविर के लिए छात्राएं काफी उत्साहित दिखी। राजकीय महाविद्यालय कांडा की बालिकाओं की यहाँ पर आज फुटबॉल की यहाँ पर प्रशिक्षण है। हमारे छोटे भाई जो कि बागेश्वर के फुटबॉल एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हैं और डॉक्टर साजी जो कि आप महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्य करते हैं और हमारे छोटे भाई नवीन जो कि आप सभासद हैं बागेश्वर से और आज कोच नीरज पांडे के द्वारा यहाँ पर बागेश्वर से भी एक टीम लाई गई है और दूसरी कांडा महाविद्यालय की टीम यहाँ पर आई हुई है और वो आने वाले समय के लिए इन बालिकाओं को बहुत आगे पहुंचाने के लिए वो टिप्स बताएंगे और इन्हें आगे की अपनी जो इंटरनल जो अंतर महाविद्यालय जो गेम्स होते हैं फुटबॉल के उसमें इनको आगे ले जाने के लिए पूरी अपनी मेहनत से इनको सिखाएंगे और हमें कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये बालिकाएँ जो यहाँ पर आई हैं ये अपना आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं खेल के लिए ये लोग अपना समय देंगे और आने वाले समय में खेल की भावना से क्यों खेलते हुए और आगे अपने भविष्य की ओर को उज्ज्वल करेंगे। और एक बार पुनः मैं इस प्रशिक्षण कोच नीरज पांडे का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप इतने दूर बागेश्वर से कांडा आकर इन बालिकाओं का उत्साहवर्धन कर रहे हैं और हमें आशा है कि यह बच्चे आने वाले भविष्य की उज्ज्वल करेंगे। धन्यवाद। आज जो है कि राजकीय महाविद्यालय कांडा और बागेश्वर से नीत तत्वाधान में जो है कम्बाइंड रूप से जो है आज फुटबॉल की जो है यहाँ पे तैयारियाँ की जा रही हैं। मैं नीरज भाई जो कि स्पोर्ट्स हमारे कोच हैं बागेश्वर जनपद के, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि महाविद्यालय की टीम जो है मुनस्यारी में आगामी 20 जून के बाद शायद वहाँ संभवतः अंतर महाविद्यालय टूर्नामेंट होंगे, जिस कारण जो है राजकीय महाविद्यालय कांडा की टीम एक तैयार की जा रही है जिसमें हमें नीरज भाई का जो है इन स्पोर्ट्स वाले भी हैं तो बागेश्वर जनपद के फुटबॉल कोच भी हैं तो उनका काफ़ी अच्छा सहयोग हमें मिल रहा है कि हम बच्चे अपने तैयार कर पा रहे हैं क्योंकि ये लोग बागेश्वर की टीम भी यहाँ पर लाए हैं। आज कम्बाइंड रूप से उनका जो है यहाँ पर एक जो प्रयास किया जा रहा है उनके द्वारा, तो मैं चाहूँगा कि नीरज भाई लगातार हमारे महाविद्यालय को ऐसा ही सपोर्ट करते रहें और महाविद्यालय आपका हमेशा आभारी रहेगा। आज यहाँ पर कांडा महाविद्यालय में जो कि फुटबॉल टीम का हमारा डॉक्टर साजी और प्रिंसिपल के द्वारा जो हम आदेश दिया गया था कि एक टीम हमने तैयार करनी है तो उसी में आज हम कांडा में यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बच्चों को बागेश्वर से लेकर आए हैं कुछ कम्बाइंड प्रैक्टिस जो कि यहाँ के बच्चे भी उनके साथ रह के थोड़ा सा सीखे, थोड़ा मोटिवेशन हो कि बच्चे और जगह भी खेलते हैं और हमारे महाविद्यालय में ज़्यादातर बालिकाएँ हमारे ज़्यादा पढ़ती हैं तो मेरा भी ये है कि बालिकाएँ जितना खेलों में एक्टिव रहेंगी तो यूनिवर्सिटी को भी फ़ायदा है, क्षेत्र को भी फ़ायदा है और ज़िले को भी उसमें फ़ायदा है जिसमें कंपटीशन अच्छा यहाँ पे होगा। तो मेरा प्रयास यही है कि लड़कियों की एक टीम यहाँ पे तैयार होगी आगामी समय में जो कि अभी रिजल्ट मिलने में थोड़ा हो सकता है टाइम लगे पर धीरे धीरे करके यहाँ पे बहुत अच्छे बच्चे यहाँ क्योंकि बच्चों के हमारे पहाड़ी में बच्चे रहते हैं तो उनकी स्ट्रेंथ और उनके शारीरिक क्षमता अच्छी रहती है तो काफ़ी अच्छा ये लोग कर लेंगे, इसीलिए मैं थोड़ा सा हमारा प्रयास यहाँ पे है कि ये प्रैक्टिस सेशन आज से स्टार्ट किया जाए। न्यूज़ के लिए कांटा से मंगेश दशीला की रिपोर्ट।